हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और भाई, मैंने मेरी स्मार्ट वॉच पहन ली है और अभी मैं जाने वाला हूँ रनिंग करने के लिए। तो मैंने रात को सोचा था कि मैं सुबह उठने के बाद, ब्रश वश करने के बाद, पहले काम मैं करने वाला हूँ एक्सरसाइज। तो मैंने सोचा था 2 किलोमीटर रनिंग करूँगा, कुछ पुशअप्स, कुछ स्क्वाट्स, मतलब 3-3 सेट लगाऊंगा। ये स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। और ये मैंने कहाँ से सुना? एटॉमिक हैबिट्स से। एटॉमिक हैबिट्स में क्या बोला है कि जो आपकी एक हैबिट लग चुकी है, जैसे मेरी ब्रश करने की सुबह की हैबिट है, उसके बाद की हैबिट मुझे अभी लगानी है एक्सरसाइज। तो एक हैबिट स्टैकिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कितने दिन चल पाता है अपना। मैं तो भाई, बहुत इच्छा है मुझे खुद को सुधारने की, पर मैं सुधर नहीं रहा हूँ। और दादाजी हमें स्टोरीज बता रहे थे, हमारे दादी जी के पायल को सुनने थे स्टोरीज। तो दादी जी के बारे में बता रहे दादाजी हमें। तो हमारी जो दादी जी थी, वो बहुत जल्दी चल बसे थे। एक्चुअली उनको है ना, कुछ हेल्थ कंडीशन हो गया था, तो उनको मतलब पैरालिसिस हो गया था शायद से। तो उसकी वजह से वो ठीक से मतलब नहीं चल पा रहा था, उनका बॉडी वगैरह सब चीज़ें। तो वो बहुत जल्दी चल बसे थे, तो उसके बारे में बता रहे थे दादाजी कि उस ज़माने में वो उनको मुंबई लेके गए थे, उनका इलाज किया, फिर उनको घर लेके आ गए, फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। और दादाजी कुछ पढ़े लिखे नहीं है, और उस टाइम पे जाने आने की चीज़ें नहीं होती थी। वो कैसा मैनेज करते थे सब चीज़ें, वो बता रहे थे दादाजी। तो ऐसी चीज़ें हम पूछते रहते हैं दादाजी को। और ये फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग हो रही है यार। इसका फ्रंट कैमरा भी कितना सही है यार, देखो ना, पूरा वाइड एंगल आता है इसमें भी, फ्रंट में भी। चलो, अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। मैंने शूज़ पहन लिए है, तो चलो लेट्स गो गाइस। स्टार्ट करने के लिए 2 किलोमीटर दौड़ेंगे हम सिर्फ, और धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाने का प्लान है। खुद को अच्छे हैबिट्स लगानी है यार मुझे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अगर हैबिट्स अच्छे नहीं होंगे तो मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। मतलब मैंने कल रात को ही मैंने सोचा कि 4 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है मुझे। एक हेल्थ, एक है मेरा फाइनेंस का नॉलेज, तीसरा है मेरा स्किल्स जो कि एजुकेशन से आएगा, सीखने से आएगा, और चौथा है फैमिली, रिलेशनशिप्स। अगर ये 4 चीज़ें मैंने सही से कर ली ना, माई लाइफ इज सॉर्टेड गाइज। वही मैं छोटी छोटी स्टेप्स लेने वाला हूँ। लेट्स गो। डन भाई, वर्कआउट डन। 2 किलोमीटर में रनिंग करके आए हो जस्ट नाउ, काफ़ी अच्छा लगा। डन भाई, वर्कआउट डन। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब चैलेंज है कल सुबह खुद को रेडी करना, और इसमें से ना थोड़ा सा अभी वर्कआउट कर लेना। मस्त नहा के हो गया है भाई अभी, और मस्त फ्रेश फ्रेश लग रहा है। हल्की हल्की बारिश आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है। वाओ, सपने जैसा है भाई ये लाइफ स्टाइल। ऐसे ज़िंदगी है ना भाई, भगवान हमेशा के लिए रखे हमारी। Let's get first meal of the day, guys. Wow. Thank you for some light, Payal. Most welcome. ये है बेसन का चीला, ठीक है? अच्छा ही होगा पायल, तुमने बनाया तो। बेस्ट। चलो भाई, ये सुनील को दे देते। मैंने तो खा लिया पेट भर के बेसन कच्चीला। मतलब मराठी में बोलते हैं बेसनाचे धिरडे। हेलो भाई, रख तो सही उधर। अलग ही है भाई, हमारा वाईफाई वाला कब आएगा पता नहीं। भाई फाइनली हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर आ चुका है, कनेक्शन सेटिंग करने वाला भाई। चलो भाई, फाइनली आज हमारा इंटरनेट कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। ये देखो भाई, जियो का रिमोट भी आ गया इसके साथ। मतलब इस पे टीवी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, इंटरनेट सब कुछ। अब देखते कितना टाइम लगता है इसको सेटअप होने में। पायल, आर यू एक्साइटेड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? कैसा लग रहा है तुम्हें? फास्ट आने वाला है सब कुछ।
तुम्हारा तुम्हारा गेम और फास्ट हो जाएगा अभी खेलना, फटाफट डाउनलोड होगा। मेरा फेवरेट गेम खेलने को मिलेगा मुझे। ये देखो भाई, ये है एंटीना जो हमें लगवाना है हमारे घर के ऊपर। वर्थी है वन वीडियो का भाई, एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के लिए 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी मजदूरी अलग से। चलो मन तो आम्ही कापू आता अंदर त्याच्याकडून कापून घ्या तुमचे पैसे। उस भाई को 200 रुपए मिलने वाले एक कनेक्शन सेट करने के, उसमें से हमारी मजदूरी कट कर लेंगे तो वो घर क्या लेके जाएगा। उससे पैसे ले लो। ये देखो भाई, ये है राउटर। तो हमने ना 100 Mbps का प्लान ऑप्ट कर लिया है, जो हमें 6 महीने का पड़ा अराउंड 4000 नहीं 6000 का, 6000 रुपए पर मंथ, 1000 पर मंथ, 1000 एनी मोबाइल का 300। और मोबाइल का तो अलग ही वो सीन तो जाने दे। अब मुझे पता चल रहा है कि वो जो अंबानी का बेटा है वो, उसकी शादी इतनी बड़ी कैसे हो गई। हर घर से पैसा जाता है अंबानी के घर में, कितना भी गरीब आदमी हो रिचार्ज तो करता ही है। नहीं नहीं उसको आयर जाता है पॉकेट में लिफाफा, पर जिंदगी भरे सचिन भाई का गुस्सा फूट रहा है। लगवाओ भाई सचिन, आपले कदम नाही आले रे। मामाईनी तिकडे पेट करून दिलं। ये है राउटर, देखा राउटर तो बहुत बड़ा है भाई। ये तुमने ऑनलाइन आदि केला था, ब्लैक कलर चाहिए था यार। भाई दिक्कत आनी थी हमारे, इसको ही आनी थी भाई। हमारे इंटरनेट कनेक्शन में हो गया एक पंगा, उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहा है। पता नहीं अब क्या सीन होगा। वो कर रहे कस्टमर केयर से बात, तब तक आप ये नज़ारा देख लो, हमारे गांव का नज़ारा हमारे ऊपर वाले टेरेस से। यहाँ पे एंटीना फिट कर दिया है, यहाँ से कनेक्शन चेक करना है उसका। ये राउटर है, इसमें दिक्कत आ रही है। रिचार्ज तो पहले कर चुके हैं हम लोग, वो 6000 का रिचार्ज किया, 1000 हमने इसलिए दिया था कनेक्शन लाने के लिए। खरे इथे तो माइनस होणार होते, नाही का सर माइनस झाले ना, 899 रुपये का रिचार्ज है पर मंथ, और उसके ऊपर GST इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो दिया, अब इनडायरेक्ट टैक्स पे करो 18%। मैं ना फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, उसको रिपोर्टर ने पूछा कि आपको क्या लगता है मिडिल क्लास इतना सफ़र कर रहा है, उसका इतना टैक्स कट कर रहे हो आप, ऊपर से उसको कुछ सर्विसेज भी नहीं दे रहे हो। फाइनेंस मिनिस्टर को क्वेश्चन ही समझा नहीं, वो क्या आंसर दे रही है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रही है कुछ समझता नहीं, पता नहीं यार। उस वो GST के बारे में बताने लगी, क्वेश्चन था कि जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर बर्डन है या नहीं, और उसके लिए आपने क्या किया, वो GST का ज्ञान देने लगे। क्या ही कर सकते हैं भाई। तो भाई इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो देख रहा है वो भाई जो आया है, वो अभी थोड़ी देर में हो जाना चाहिए। बड़े देर से हम रहा दिख रहे हैं पर दिक्कतें ही आ रही है। यहाँ पे लाइट तो चमक रही है। चाय टाइम हो चुका है दोस्तों, भाई को चाय वाय पिलाते, थक गया होगा काम कर करके। ये देखो भाई ग्रीन लाइट लग चुकी है, इसका मतलब हो गया ना भाई, ठीक है फिर। ये देखो भाई सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, नामकरण क्या कर दिया है देखो, एयर फाइबर स्वप्निल यादव ब्लॉक्स। पासवर्ड सेट हो चुका है, मुझे भी बता भाई पासवर्ड। ये देखो भाई कनेक्ट हो चुका है अपना इंटरनेट, 30 Mbps 20 Mbps, इससे तो मोबाइल अच्छा स्पीड देता है। फिर देखते हैं अभी थोड़ा टाइम, स्पीड बहुत अच्छा है बट 30 Mbps हाँ अपलोड ही चाहिए, अपलोड नहीं आता है अपनी कोई इतना, मोबाइल को 1 Mbps ही आता है ना अपलोड। हाँ अपलोड स्पीड तगड़ा है काफ़ी, सही हो गया फिर काम। तो अभी नीचे जाके देखते हैं टीवी को स्पीड आ रहा है या नहीं। टीवी को अगर नीचे भी स्पीड आ रहा है तो फिर हम ऊपर ही सेट कर लेंगे उसको राउटर को, नहीं तो अगर नीचे राउटर सेट करके ऊपर आ रहा है स्पीड तो नीचे रख देंगे, वैसा कोई सीन नहीं हमारा। ये
भाई काय चालू आहे? काय नाही काय का इधर आहे रिमोट लो हां झालं ना इधर तो स्पीडी नहीं आ रहा है भाई 0 Mbps कनेक्टिंग टू स्वप्निल यादव ब्लॉक्स कनेक्टेड टू स्वप्निल यादव ब्लॉक्स स्पीड आ रहा है अभी धीरे धीरे बढ़ेगा ना नई नई वाली दुल्हन है भाई लेट्स गो गाइस वाह भाई टीवी भी चालू हो गई मस्त सचिन दिखा रहे भाई इधर रिमोट सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ब्लॉग टीवी पे यूट्यूब पे ऊपर अच्छे क्वालिटी में आपसे तो भाई फाइनली हमारा टीवी अब सब चलने लगेगा ऊपर भी अच्छा कनेक्शन आ रहा है अब सिर्फ वो राउटर है ना परमानेंटली फिक्स करना है कहीं पे तो वो देखना पड़ेगा उसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा हमें ये देखो भाई यहाँ पे रख दिया है और यहाँ से अभी हमारा काम शुरू हो जाएगा लैपटॉप तो सही से चलेगा अभी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी भाई अभी फिर से नहीं तो ना कभी कभी बहुत स्लो हो जाता था मतलब हफ्ते भर में मान के चलो कि एक दो बार तो ऐसा होता ही था ज़्यादा ही होता था और फिर जब मेरी मीटिंग वगैरह रहते थे ना तो मीटिंग के टाइम पे हमेशा टेंशन रहती थी कि भाई इंटरनेट ड्रॉप हो गया तो ठीक से चला नहीं तो अच्छा है कि मतलब ये लग गया तो मतलब एटलीस्ट वो टेंशन तो चली जाएगी जैसे हमने इन्वर्टर खरीदा था कुछ सालों पहले उससे हमारी सारी मतलब प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम सेटअप बन चुका है अभी हमारे घर पे अब से भगवान करे हमारा वर्क फ्रॉम होम चलता ही रहे रिबा हाय कर रिबा की आज तबीयत थोड़ी ठीक है थोड़ा सा बुखार तो है उसे पर कल से बेटर है कौन है रिबा है कौन है आज पल्लवी और जीजा जी आए हमारे मिलने के लिए सबको रिब्बा को है ना सिर्फ घूमने को चाहिए किसी ने ऐसे गोदी में उठाने का और फिर घूमते रहने का दिन भर एक मिनट रोए कि नहीं एक मिनट रोए कि नहीं वो रिब्बा को है ना बाइक पे बहुत मजा आता है घूमने के लिए शर्ट पकड़ के रखा है टाइम टू एंड दिस ब्लॉग गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों बाय बाय